नमस्कार दोस्तों, मैं रतन मोला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज जो मेरे पास जो वॉच है उसका नाम है फायरबोल्ट निंजा प्रो मैक्स, इस मॉडल का नाम है। और ये वॉच जैसे ही ओपन करते हैं तो ऑन नहीं हो रही है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले कोई भी वॉच चाहे कोई भी कंपनी की वॉच हो उसको आपने चार्जिंग में डालना है कम से कम 2 घंटे के लिए। तो जैसे ही आप चार्जिंग में डालोगे यहाँ पर चार्जिंग आपको इंस्टेंट चार्जिंग होते हुए दिखाई देगा। अगर इंस्टेंटली चार्जिंग नहीं भी होती है तो आपको कम से कम थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए, 10-15 मिनट चार्जिंग में, उसके बाद में चार्ज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 घंटे में चार्ज फुल हो जाएगी, कोई वॉच 1 घंटे में भी होती है, कोई 2 घंटे में भी होती है। लेकिन अब हम इस वॉच में आपको इस वॉच के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। इस वीडियो को आप देख के ये डिसीज़न ले सकते हैं कि क्या आपको ये वॉच ख़रीदनी चाहिए या नहीं। दोस्तों ये वॉच मैंने ऑनलाइन से ख़रीदी है 2000 रुपये में, और आपको 2000 रुपये में ये वॉच काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और इससे ज़्यादा वाली जिसमें स्पीकर लगा है, इसमें स्पीकर नहीं है दोस्तों, मतलब कि आपको कोई कॉल वगैरह आप अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर में क्या क्या फ्यूचर है, कैसे कैसे है, व्हाट्सअप कैसे यूज़ करते हैं, मैसेज कैसे यूज़ करते हैं, और कॉल आने से आपको देख सकते हैं और वो कैसे देखते हैं, रिजेक्ट कैसे करते हैं, और जो भी ये सेटिंग्स है मैं आपको सारी की सारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देख के आपको जितने भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को आराम से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैं जैसे आपको करके बता रहा हूँ, लेफ़्ट राइट अप डाउन, ये जैसे नीचे से किया स्वाइप तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो सारे आ गए हैं, तो ऊपर से स्वाइप किया तो वो दूसरा ऑप्शन आ जाता है। तो ये आपको मैं सभी करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको इजी से पता चल सके कि इसको मतलब है जो कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों ये जो बटन देख रहे हैं, एक बार इसको प्रेस करने से इसकी जो लाइट ऑन आती है, और ये आपको एक सिंगल प्रेस करने से आप इसका जो वॉलपेपर है वो चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी आपको पसंद आए उसके ऊपर आप अगर आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको वो सेट हो जाता है। तो अब ये जो वॉलपेपर है ये चेंज हो गया है, तो ये जो बटन्स है वो सिर्फ कुछ काम नहीं करता, ये सिर्फ ऑन ऑफ और उसको एक बार मेनू को लाने के लिए यूज़ होता है। अगर आप मैं ऊपर से नीचे तक स्वाइप करता हूँ तो आपको ये टॉर्च शॉर्टकट जो भी इम्पोर्टेंट मेनू है वो सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऊपर से स्वाइप करने वाला मैंने बता दिया हूँ, और नीचे से स्वाइप करने से इस वॉच के अंदर जो है वो मेनू के ऑप्शन आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी तो ये ऑप्शन आपको इसमें दिखाई देगा, और मोबाइल यहाँ पे आपको वाइब्रेशन में डालना हो तो वो कर सकते हैं, और टॉर्च जो है आप इस तरह से इसको टॉर्च का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन जो वाइट लाइट है उसको टॉर्च बोला जाएगा, और बाकी जो वाइब्रेट मोड थिएटर मोड डालने से आपको है जो मोबाइल पूरी साइलेंट हो जाती है, आपको ये वॉच साइलेंट हो जाती है, तो ये थिएटर मोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल से पेयर करने से आपको वेदर है, जितने भी सारे फीचर है वो ऐड हो जाएंगे। तो अब आपको सबसे पहले इस वॉच को आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे तो जितने भी टाइमिंग वगैरह जो भी है और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन कॉल वगैरह सब आपको यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, और आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में द फिट करके ये फायरबोल्ट कंपनी का ऐप है, ऑब्वियसली इस ऐप को आपको है जो डाउनलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं होने के लिए मैंने यहाँ पर है जो ऐप डाउनलोड कर दिया है, और यहाँ पर जो कुछ परमिशन मांग रहे हैं उन सबको अलाउ कर देना है दोस्तों। और आपको ध्यान से बता देता हूँ कि आप इस ऐप से डाउनलोड करने से आपको कौन से ऑप्शन दबाने के बाद में ही आपको व्हाट्सएप और मैसेज के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों, अधूरी जानकारी के बाद में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले वॉच को यहाँ नीचे वाला ऑप्शन दबाने के बाद में ऐड डिवाइस का ऑप्शन है, इसको आप दबा देंगे तो आपका ब्लूटूथ ऑफ रहेगा तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो वॉच के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है चालू करने के लिए, मतलब ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ वॉच को मोबाइल के ऐप के अंदर सेलेक्शन करना है, बाकी ऐसा नहीं कि वॉच के अंदर मैं ब्लूटूथ को ऑन कर दूँ वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो ब्लूटूथ है वो ऑन हो जाएगा,
अगर कोई दूसरे आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी डिवाइस कनेक्ट है इसको अनपेयर कर दीजिएगा। अनपेयर करने के बाद में एक बार आप सर्च करेंगे तो आपको है जो ये वॉच, इसका जो वॉच का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप उस ऐप के अंदर वापस जाइए और वहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे आपको ये दो वॉच मिल गई है जो, लेकिन जो मेरे पास जो वॉच है वो निंजा प्रो मैक्स है। तो यहाँ पे इसकी फ़ोटो भी इसने दिखा दी है, ये डिवाइस यहाँ पे निंजा प्रो मैक्स ये वाली है। तो इसको मैं यहाँ पे ओके करके इसको मैं डिवाइस से कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब टाइम भी है जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और वॉच के अंदर जो भी परसेंटेज बैटरी है वो आपको है जो ये दिखाई देगी। और आप यहाँ पे ये जो वॉच का जो फेस है आप यहाँ से अब डायरेक्टली है जो चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे वॉच में ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे जो मोर वॉच फेसेस हैं और भी बहुत सारे है जो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत सारे वॉचेस के फेस है जो आप नेट से डाउनलोड करके अपने मोबाइल अपने वॉच में सेट कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप अपनी फ़ोटो वगैरह भी आप कोई भी सेट कर सकते हो। तो उसको कैसे सेटअप करना है, फ़ोटो को कैसे आप ये करना है, कोई भी यहाँ पे फेस वॉश लेते हैं तो ये कुछ दो तीन मिनट में यहाँ से यहाँ डाउनलोड होके है जो सेटअप हो जाती है। तो वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं इसको जल्दी से प्रोसेस कर दिया हूँ। तो यहाँ पे अगर आप अपनी फ़ोटो को सेट करना है तो एडिट वाले जो फेस है उसको ऊपर ओके करने के बाद में अभी इतने सारे में यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको एडिट वाले ऑप्शन को दबाएंगे तो आप अपने मनपसंद का फ़ोटो अपने फ़ोन के अंदर जो भी होगा उसको है जो आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वॉच फेस है जो मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इन सारे ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे एडिट वाले ऑप्शन वाले को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो डाल सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर करके लिखा है तो यहाँ पे ये जैसे इसको ओके करते हैं तो अपने मोबाइल्स के जो फाइल्स वगैरह हैं यहाँ पे आप किसी में भी जाके है जो सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के अंदर हो, चाहे गैलरी के अंदर हो, चाहे एल्बम के अंदर हो, कोई भी फोल्डर के अंदर आपकी कोई भी फ़ोटो वगैरह जो मन चाहे हैं वो आप जो है सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो अपने गैलरी के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरी फ़ोटो में एक मतलब सेट करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको है जो पर चेंज करना है। तो यहाँ नीचे टेक्स्ट का कलर भी है, जैसे साइड में जो टाइम होता है उस टाइम का कलर आप अपने हिसाब से है जो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कलर आपके फ़ोटो के हिसाब से, अगर फ़ोटो का कलर भी आपका दोनों का सेम रहेगा तो आप उसको टाइम नहीं देख सकते हैं। तो कुछ ही देर में दो तीन मिनट में यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, होने के बाद में आपका है जो फ़ोन का जो भी वॉलपेपर चेंज हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ता है। अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन हम ऑन करते हैं तो आपके कॉल वगैरह है जो नोटिफिकेशन वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा और मैसेज भी आपको है वॉच में देखने को मिल जाएगा। और जितने भी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन हैं आपको यहाँ से सारे ऑन कर देने हैं, जो जो आपको ज़रूरत है, और जो ज़रूरत नहीं है उसका आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सअप और मैसेज ये दो ज़्यादा रिकमेंडेड करता हूँ कि और कॉल का, तो यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया है। और आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि कैसे कॉल आता है तो कैसे रिसीव कर सकते हैं वॉच में या नहीं है। वैसे अलग अलग मॉडल के अंदर अलग अलग फंक्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ से कैमरा रिमोट का मतलब कैमरा तो इस वॉच के अंदर है नहीं, तो मोबाइल के अंदर जो कैमरा है उसको कैसे मतलब रिमोट से वहाँ पे मोबाइल से फ़ोटो हम क्लिक कर सकते हैं, ये फंक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये फंक्शन वैसे तो कोई इतना ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दिया कि आपका जो कन्फ्यूजन है यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो दोस्तों कैमरा का कुछ खास यूज़ नहीं है। और दूसरा फीचर है जो व्हाट्सअप है, मैसेज है, और जो बाकी का हेल्थ के जो फंक्शन है उसको मैं आपको बता के टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आपको पता रहती है और ये कंपनी ब्रांडेड भी और वारंटी वाली है। तो यहाँ पे टाइम का जो फॉर्मेट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि भाई 12 और भी आप सेट कर सकते हैं और 24 और भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अब व्हाट्सअप आपको एक बार दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन हमने ऑन किया है, ऑन करने के बाद में जो मैसेज व्हाट्सअप से जो आया है यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में मैसेज पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों आपको नंबर ऊपर आ जाएगा, नाम होगा तो नाम भी आपको नाम आ जाएगा, नंबर सेव नहीं है तो नंबर आ जाएगा, और जो भी मैसेज है कुछ ये कुछ 5-6 मैसेज यहाँ पे स्टोरेज होते हैं उनको आप पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये दोस्तों था व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, जो आपको नोटिफिकेशन में मैसेज आप पढ़ सकते हो व्हाट्सएप के, और टेक्स्ट मैसेज के भी सेम इसी के इसी तरह आते हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो और ज़्यादा भरने के बाद में आप क्लियर कर सकते हो। तो बाकी के जो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हेल्थ के जो भी ऑप्शन है, स्लीप मोड है और जो भी हार्ट बीट रेट है और जितने भी सारे मेज़र के ये जो स्वास्थ्य के लिए जो भी ऐप आता है उसमें आपको, मुझे लगता है कि इतना वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप यूज़ कर लेंगे। जो ऑप्शन आपको पता नहीं चल रहा है वो ऑप्शन मुझे बताने से शायद आपको ईजी हो सकता है। तो ऑप्शन आपको मैं बताया हूँ कि कैसे ये हार्ट बीट में यहाँ पे ये लाइट जलती है और आपका जो काम करता है और आपको दिखाता है कितना सही कितना गलत, इसके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ। लेकिन यहाँ पे गाना है जो दोस्तों आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि आपके फ़ोन का जो सॉन्ग है आप उसको बजा सकते हो और साथ ही साथ उसको रोक भी सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। लेकिन ये जो गाना है दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर ही बजेगा, इस वॉच के अंदर नहीं बजेगा। लेकिन इसकी और एक मतलब मॉडल है जिसके अंदर स्पीकर दिया हुआ और वो जो गाना है वो उसी में प्ले होता है और उसकी आवाज़ भी आती है और उसमें फ़ोन भी रिसीव करता है। उसका जल्द वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, तो उसको कैसे इससे भी वो बेहतर है और उसका 1000 रुपये ज़्यादा 3000 रुपये के आसपास उसका जो है रेट है। दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड भी हो चुका है और डेट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है और वेदर का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो भी है जो अपडेट हो चुका है। और लोकेशन तो आपको पता है दोस्तों, मोबाइल से इसने उसके हिसाब से यहाँ पे वेदर बता दिया है और कौन सा तारीख को कौन सा अप्रोक्सीमेट वेदर आने वाला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिखा। इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है और मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि फायरबोल्ट का रेट भी बढ़िया है और कम रेट में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी घड़ियाँ देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको सारे सवालों के जवाब ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गए होंगे और मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। आपको मैं यहाँ पे कॉल करके है जो दिखा दिया हूँ, कॉल में यहाँ पे दोस्तों इस वॉच के अंदर आप कॉल को डिसकनेक्ट कर सकते हो और साइलेंट कर सकते हो, बाकी आप यहाँ पे रिस्यू नहीं कर सकते हो और यहाँ पे बात भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों, बाकी तो ठीक है, धन्यवाद।